फ्रेंड्स राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और रुपेश आ गया है दूध लेके, मैं दिखाती हूँ। वो गया था पैकेट का दूध लेने ना, तो वही आ गया है। वो घंटी बजा रहा है ना, मैं दिखाती हूँ आपको। दिन है बुधवार और कल है तीज, और समय है सुबह के 6:30। तभी धूप नहीं निकली है, मैं छत पे आ गई हूँ। आज सुबह सुबह छत पे बहुत अच्छा लग रहा है। वो देखिए कितना खूबसूरत व्यू है ना। मैं छत पे जब डेली सुबह आती हूँ ना, तो बस इधर उधर देखती रहती हूँ, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन है। इससे आंखों की रोशनी जो है ना वो बढ़ती है। तो मैं मॉर्निंग में छत पे टहलने आ ही जाती हूँ, आधे एक घंटा टहलती हूँ, फिर नीचे चली जाती हूँ और घर की क्लीनिंग के बाद छत पे आती हूँ। तो घर का सारा काम हो गया है, अभी क्लीनिंग हुई है, अभी कोई नाश्ता वगैरह मैं नहीं बनाई हूँ। तो क्लीनिंग का काम सारा फिनिश हो गया है। और अभी मैं से देखिए, कड़ी पत्ता जो है ये इतना बड़ा हो गया है। मैं मायके गई थी ना, तो ये बहुत छोटा था, मुझे लग नहीं रहा था कि ये ग्रो करेगा। पर ये देखिए, सावन में हर पौधा ग्रो कर जाता है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। और जो गुड़हल का पौधा इतना छोटा मैंने लगाया था ना वीडियो में, आप मेरे देखे होंगे, तो वो देखिए इतना बड़ा हो गया। और ये देखिए, ये कली भी लिया है, इसमें से फ्लावरिंग हो रही है। एक दो जो है वो फूल मिल जाते हैं डेली, आज नहीं मिला है पर एक दो मिल जाते हैं। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा हो गया है। और मनी प्लांट मैंने यहाँ पर रख दिया है नीचे का। जब जाली लगी थी ना आगे, तो फिर उधर कूलर रख दिए थे, उधर जा नहीं पाते थे, ऐसे पानी वगैरह नहीं डाल पाती थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रख दिया है। और ये देखिए, वाइट वाला जो मिनी चांदनी है वो भी खिला है। तो बाकी कोई फ्लावरिंग वाला पौधा तो नहीं है, रोज़ है। तो ये कली लिया है, देखिए कब खिलता है। जी देखिए किधर गया, कली लिया है पर अभी खिला नहीं है, एक आध दो दिन में खिलेगा। देखिए ये भी खिला हुआ है। इसमें फ्लावरिंग हो रही है ये देखिए, पर इसका जो सीजन है ना वो जा रहा है अब, इसलिए इसमें से छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं। और सारे पौधे जो है ना कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। इसकी फ्लावरिंग ये लग रहा है सूख रहा है। इस पौधे में मुझे दूसरा पौधा लगाना होगा, ये सूखने के कगार पे आ गया है। और ये जो है, ये रात रानी वाला पौधा है, जिसे आप हरी श्रृंगार कहते हैं, वो पेड़ है। पर इसमें कोई चांस नहीं है फूल आने का, क्योंकि ये पेड़ होता है, मैंने तो मेडिसिन के रूप में इसे लगा लिया था काढ़ा वगैरह बनाने के लिए, उसके लीफ काम में आती है ना, इसलिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, और मैं थक जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने पूजा आज नहीं किया, सिस्टर ने कर लिया और मैंने पानी पी लिया जल्दी से। अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और अभी जो छोटी वाली सिस्टर है ना लक्ष्मी, वो चाय ब्रेड लाई है, तो मैं अभी नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये देखिए चाय और ब्रेड, तो ये देखिए चाय और ब्रेड आ गया है, ये देखिए। तो अभी मैं जो हूँ ना नाश्ता कर ले रही हूँ, तो अभी मैं नाश्ता कर ले रही हूँ चाय और ब्रेड से। क्या हुआ? तो अभी कुछ तबीयत जो है वो ठीक लग रही है, पर लक्ष्मी सारा काम कर देती है, बोलती है कि दी अभी तुम रेस्ट करो और मैं चली जाऊंगी, तब तुम सारे काम करना। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ, तो अभी मैंने नाश्ता भी कर लिया और किचन में जा रही हूँ। आज मैंने बाल धुला है, कल तीज है ना, इसलिए आज ही मैंने बाल धो लिया है। और यहाँ पर लक्ष्मी रोटी बना रही है, गीता को रुपेश यहाँ पढ़ रहा है, ये देखिए गीता को एक पत्र लिखा, वो उसे ट्रांसलेट बोल रही है ना, तो वही लिख रहा है रुपेश। और ये रोटी बना रही है, मैं दिखाती हूँ। बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई,
तो अभी लक्ष्मी रोटी बना देगी और चावल दाल वही बनाएगी, सब्जी मैं बनाऊंगी। और मैंने सोचा पहले मैं सारे कपड़ों को मशीन में डाल दूं ताकि वो वाश हो जाएं। और आज मैंने आगे वाले रूम का गद्दा छत पे डाल दिया है, आज धूप बहुत तगड़ी थी तो मैंने सोचा कि सूख जाएगा आगे वाला जो गद्दा है। तो सारे बेडशीट जितने आगे वाले रूम के हैं और अंदर वाले बेड के हैं वो सारे बेडशीट मैंने आज धुलने के लिए डाल दिया है। और भी छोटे छोटे कपड़े थे तो मैं अभी मशीन लगा दूंगी, इधर कपड़े वाश हो जाएंगे, तब तक मैं सब्ज़ी बना लूंगी। और आलू बैंगन की ही सब्ज़ी बनानी है, भुजिया बनानी है, कोई मसालेदार सब्ज़ी नहीं बनेगी। तो अभी मैं मशीन ऑन कर दे रही हूँ ना, और लक्ष्मी पूछ रही है दी इसे कैसे तुम मतलब इस्तेमाल करती हो, चालू करती हो, तो वही मैं उसे बता रही थी कि इसे इस तरीके से सेट किया जाता है। और छवि भी बड़े गौर से वहाँ पर देख रही थी कि मम्मी कैसे करती है, बोल रही थी कि मम्मी मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं मशीन चलाऊंगी। अभी मैं बच्चों को मशीन नहीं देती हूं, मैं खुद ही करती हूं। रुपेश थोड़ा बड़ा हो गया है तो वो कभी कभी ऑन कर देता है, पर छवि को मैं नहीं टच करने देती हूं, वो दूर से ही खड़ी होकर देख लेती है। और मैं चेक कर रही थी कि अभी सर्फ जो है वो चला गया है कि नहीं। और अभी मैं जो साड़ी पीको फॉल होके और ब्लाउज आया है सिल के तो उसे मैंने वाश कर दिया था। मैं कभी भी किसी भी दर्जी को देती हूँ या खुद भी सिलती हूँ तो मैं उसे वाश कर देती हूँ, बिना वाश किए मैं पहनती नहीं हूँ। कोई भी कपड़ा हो मैं अगर मार्केट से लाती हूँ या कहीं से भी लाती हूँ तो पहले मैं उसे वाश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही उसे पहनती हूँ। तो वही मैं रख रही थी उसे। और ये रूम बेड का बेडशीट भी मैंने चेंज कर दिया है और पूरा घर जो है ना वो पूरा क्लीन हो गया है। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ तो ये जो है मैं दाल बना रही थी, नए स्टाइल का दाल है बिना दाल फ्राई के ही। तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, नमक और ये हरी मिर्च, टमाटर, प्याज ये सब कट किए थे मैंने, और सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और 2 चम्मच मैंने ऑयल भी डाला था, दिखा नहीं पाई, फिर मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया। ये दाल बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, फ्राई दाल की ही तरह लगती है ये। लक्ष्मी दाल चढ़ा रही थी पर मैंने उसे मना कर दिया, मैंने बोला कि मैं दाल चढ़ाऊंगी और आपको के साथ शेयर भी कर दिया। और इधर मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, कढ़ाई गर्म हो गई थी, फिर मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया था, तेल थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि भुजिया बनेगा। और फिर मैंने इसमें 1/2 चम्मच मेथी का दाना डाला था, जब मेथी का दाना गोल्डन ब्राउन हो गया तो फिर मैंने हरी मिर्च और काफ़ी मात्रा में लहसुन डाल दिया था। और अब मैंने इसमें कटे हुए आलू बैंगन डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, नमक और हल्दी पाउडर बस डालूंगी और इसे गोल्डन कलर का होने तक पका लूंगी, फिर भुजिया जो है वो रेडी है। और फ्रेंड्स आज मुझे बहुत काम था क्योंकि आज कल तीज है ना, तो मुझे बहुत काम है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी आपको दिखाई पूरा नहीं दिखा पाई हूँ। और इधर दाल मैंने दाल जो है ये देखिए छौंक लगा दी है इसमें, और कितना अच्छा दाल, ये बहुत टेस्टी बनता है। और फिर मैंने सोचा कि आज सिलबट्टे पे चटनी पीसती हूँ, कभी कभी मैं पीस लेती हूँ, और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि आज सिलबट्टे पे ही चटनी पीसो। तो उसके लिए मैंने टमाटर 1 लिया था, हरी मिर्च 3 है और 1/2 चम्मच नमक और लहसुन है, इसे मैं पीस लेती हूँ। एक ही काम डेली करते करते जी बिल्कुल उब जाता है, पर हस्बैंड बोले थे तो मैंने सोचा कि मैं उनकी भी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। और अभी खाली हुई थी कि छोटी वाली सिस्टर जो क्षमा है वो आ गई थी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कल तीज है तो वो भी मेहंदी लगवाने आई थी। तो लक्ष्मी लगा लेती है मेहंदी तो वो उससे लगवा लेगी, पर हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है वही सबको मेहंदी लगाई। और ये देखिए मुझे मेहंदी लगवाते लगवाते बहुत रात हो गया था, अभी 9:30 हो रहा था और उसी ने मुझे भी लगाया और क्षमा को लगाया, एक हाथ में मैंने उससे लगवा लिया और मैं बाकी घर पे बाकी मैंने अपने हाथों में खुद से लगा लिया आगे, और पीछे के दोनों हाथ के डिज़ाइन लक्ष्मी ने लगाया था। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत प्यारा डिज़ाइन लगा रही थी वो। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरी मेहंदी फुल हाथ की, बहुत प्यारा डिज़ाइन लगाया था उसने,
और घर पे आके मैंने एक हाथ में रख लिया। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है मेरे वीडियो के लिए, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन मैंने बनाई है। फिर मैं काफ़ी थक गई थी तो लक्ष्मी दोनों हाथ के जो पीछे का डिज़ाइन था वो बना रही थी, पर मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मैं वो सूट नहीं कर पाई और काफ़ी रात हो गया था। ये डिज़ाइन बनाते बनाते 11 बज गया था और 12 बजे तक हम लोग सोए थे। तो ये मेरे लेफ्ट हैंड का डिज़ाइन है। तो अब मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड।